हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि गोवा यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये नेक द्वारा एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी है। दोस्तों ने अपने जीयू पेट 2 अगस्त 2024 सेशन के लिए आवेदन मांगा है। दोस्तों इसके अंदर ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा और इसके अंदर जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी आती है उनका भी एंट्रेंस एग्जाम होगा यदि वो देना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए आवेदन नहीं है ये वैसे तो। यहाँ पर पहले आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो एम फिल, सी एस आई, यू जी सी, नेट, जे आर एफ, लेक्चरशिप, सेट, स्लेट, जेस्ट, गेट, जी पैट जो भी है तो उनको भी यहाँ पर देना होगा एग्जाम वगैरह यदि देना चाहते हैं तो। नहीं तो उनका नया नोटिफिकेशन जब आएगा एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का तब उनको आवेदन करना होगा। एग्जाम डेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म 30 अगस्त से स्टार्ट हो गया था, 17 सितंबर इनकी लास्ट डेट रहेगी और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट आपका 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच में रहने वाला है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये बताया है कि जिनके पास में गेट, जी पैट वगैरह जो भी है, सेट, स्लेट, जेस्ट, तो वो इसके अंदर आवेदन ना करें, उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। बट आवेदन करना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और एम फिल वाले एग्जेम्प्टेड रहेंगे वो लिखा हुआ है, और जो सीनियर सिटीजन हैं तो वो भी इसके अंदर एग्जेम्प्टेड रहेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यदि आपके पास में 1 ईयर की या 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री है, 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, या आपके पास में 2 ईयर की मास्टर डिग्री है, 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, 55% मिनिमम मार्क्स के साथ में, तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या आप बैचलर डिग्री के साथ में डायरेक्ट आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में 75% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और यदि किसी पास में एमफिल है 55% मार्क्स के साथ में तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। और 5% का रिलैक्सेशन बताया गया है एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। आगे दोस्तों ने एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बारे में बताया है कि फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड रहेगा, सेकंड पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, और पेपर वन के अंदर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। सेकेंड पेपर का पैटर्न भी सेम है बिल्कुल, इसके अंदर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स का रहेगा, वन क्वेश्चन ईच रहेगा, और 50 जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। और आप इसके अंदर जीयू पैट ये मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट के अंदर आप दे सकते हैं, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे दोस्तों यदि कोई अपीयरिंग के अंदर है तो वो भी बताया गया है कि अपीयरिंग वाले भी इसको भर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है आवेदन करने के लिए, जीयूएमएस पोर्टल का लिंक ये दिया हुआ है, तो आप इस पर जाके आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे तो वो भी लिखा हुआ है कि आपको मास्टर डिग्री की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा, और उसकी डिग्रीज वगैरह जो भी है, मार्कशीट वगैरह, वो सब अपलोड करनी होगी, और जिस भी रिजर्व कैटेगरी से आप आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 700 रुपये फीस है पर सब्जेक्ट की, और एससी एसटी के लिए 350 रुपये फीस है पर सब्जेक्ट की, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनके लिए नील है, और ये 350 रुपये जो लिखा हुआ है ये पर सब्जेक्ट के हिसाब से है, 350 और 700 रुपये। और आगे फिर से बताया हुआ है कि मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट के अंदर ही भर सकते हैं। और स्कीम ऑफ जीयू पैट के बारे में बताया गया है कि पेपर वन कैसे रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा, मार्क्स कितने का रहेगा और ड्यूरेशन 2 आवर्स की रहेगी, तो ये पूरा लिखा हुआ है तो आप इसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और सिलेबस ये यूजीसी, नेट वगैरह इनका ही रहेगा, तो पूरा लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दोनों पेपर रहेंगे, मिनिमम आपको 40% ईच पेपर के अंदर लाने होंगे और 40% से ऊपर होना चाहिए, और जो ओवरऑल है 50% से मार्क्स आपके ऊपर होने चाहिए तभी आप इंटरव्यू अपीयर कर पाएंगे। इसके अंदर 5% का रिलेक्शन दिया जाएगा एस सी एस टी ओ बी सी नॉन क्रिमिनल और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए। और असिस्टेंस भी यहाँ पर बताई गई है कि आपको यदि कोई समस्या आ रही है, कोई क्वेरी है, तो आप ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है इसको फिलअप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट बताए हैं कुछ, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, कोंकणी, मराठी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, वुमेन स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, मरीन साइंस, अर्थ साइंस, मरीन माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, लॉ, म्यूजिक, फार्मेसी, एजुकेशन, जियोग्राफी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टोटल 35 सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए हैं जिसके अंदर कि आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आगे यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, जो साइंस से रिलेटेड डिसिप्लिन है तो उनके लिए सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और दोस्तों आगे इन्होंने ये सेकेंड सिलेबस बताया है जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट या ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, मैनेजमेंट, स्टडी, सोशल साइंस या लॉ, एजुकेशन, म्यूजिक, इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो वो ये वाला रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं अपनी। तो दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो भी लिंक है आवेदन करने की और अदर लिंक वगैरह वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।